दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत ही खूबसूरत सा कपल धर्मेंद्र पाजी और हेमा मालिनी जी का है। आज की इस वीडियो में हम आपको धर्मेंद्र और शबाना आजमी के किस सीन पर हेमा मालिनी के रिएक्शन के बारे में बताएंगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। वैसे तो ये कपल एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है। दोनों को साथ देखकर फैंस बहुत खुश होते हैं और दोनों की लॉन्ग लाइफ के लिए बहुत ज्यादा प्रेयर्स भी की जाती हैं। आपको बताते चलें कि कुछ रिसेंटली ही धर्मेंद्र पाजी और हेमा मालिनी के बीच एक कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा था। जब धर्मेंद्र पाजी के पोते की शादी थी और हेमा मालिनी उनके साथ नहीं गई थी, तो इसको फैंस ने काफी ज्यादा नोटिस किया था और फैंस ने इस पर काफी ज्यादा रिएक्शन भी दिया था। और अब धर्मेंद्र पाजी की न्यू मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में उनके किस सीन को लेकर एक बड़ा बवाल आ गया है। जी हाँ, धर्मेंद्र पाजी ने इस मूवी में शबाना आजमी को किस की है। इस किस को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है और इस किस पर बहुत ज्यादा रिएक्शंस भी आ रहे हैं। नेटिजंस को धर्मेंद्र पाजी की ये किस बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और नेटिजंस का कहना है कि धर्मेंद्र पाजी को अपनी उम्र के हिसाब से सीन करने चाहिए और इस उम्र में उन्हें इस तरह के सीन नहीं करने चाहिए, उन्हें मना कर देना चाहिए। जबकि धर्मेंद्र पाजी का ये कहना था कि वो एक एक्टर हैं और जो उनसे डिमांड किया जाता है उन्हें वो पूरा करना पड़ता है, इसमें उनकी कोई मर्जी नहीं होती है। हेमा मालिनी जी की बात करें तो हेमा मालिनी को ये किस सीन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और फिल्म की रिलीज होने से पहले उन्हें इस किस सीन के बारे में पता भी नहीं था। जब उन्हें पता लगा तो उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने इस पर काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी दिया है। और उनका कहना है कि इस तरह के सीन जितने ज्यादा अवॉइड किए जा सकते हैं करने चाहिए। और उनका ये भी कहना था कि वो ये सब धर्मेंद्र पाजी के लिए नहीं बल्कि यंग एक्टर के लिए भी कहना चाहती हैं कि इस तरह के सीन से दूर रहना चाहिए। शबाना आजमी की बात करें तो शबाना आजमी इस समय बिल्कुल चुप हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा सोशली एक्टिव रहती हैं, लेकिन इस समय वो चुप हैं और उन्होंने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। बट आपको ये बताते चलें कि नेटिजंस को ये सीन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। आप भी हमें जरूर बताइएगा कि आपका इस सीन के बारे में क्या कहना है। आपको क्या लगता है कि धर्मेंद्र पाजी का ये सीन मूवी की डिमांड थी या फिर इस सीन को अवॉइड किया जा सकता था? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।